लॉकडाउन के दूसरे चरण में रविवार को साहबगंज गल्ला मंडी में दुकान के आगे एक मीटर की दूरी पर घेरा बनाकर थोक गल्लों की सप्लाई हो रहा है। इस संबंध में किराना कमेटी के महामंत्री गोपाल जायसवाल ने बताया कि सभी दुकानों के आगे पेंट से एक एक मीटर की दूरी पर घेरा बना दिया है। जो भी ग्राहक दुकान पर आता है उसको घेरे में खड़ा करके माल बेचते हैं और सभी ग्राहकों को से भी कहते हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक दूरी से ही कोरोना से बचा जा सकता है। सीमाएं सील होने के नाते सिर्फ गोरखपुर जिले से ग्राहक आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किराना कमेटी के महामंत्री गोपाल जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार आल्हा, दुकानदार ब्रजेश कुमार, अतुल, अमित, सहनवाज, आलम लारी ने कहा। उसका जरा माल उतर चीनी उतर गए ना भैया। ब्रजेश कुमार, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और दूरी बनाते ही सब तो सामान दिया जा रहा है। इसको जागरूक के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कोई सामान लेने आ रहा है तो आप कैसे उनको सामान दे रहे हैं? सर, सामान के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और दूरी बनाए हुए हैं, बारी बारी से सामान दे रहे हैं। बाकी तो दूरी पे खड़ा कर रहे हैं, इतने मीटर दूरी पे। अतुल नाम है मेरा, अतुल अग्रवाल। अब सोशल हम लोग के होलसेल वैसे भी एक दो ग्राहक को आता है, अब कभी कभी साथ में एक दो ग्राहक आए तो हम लोग उनको कह देते हैं थोड़ा सा भाई आप अपना मतलब दूरी एक दो मीटर की बना लीजिए, और हम लोग खुद भी पहनते हैं मास्क और दूसरों को भी कहते हैं भाई मास्क वगैरह जो भी पहनिए जिससे कि बचाव हो जो है। अब गोरखपुर, हाँ साहबगंज होलसेल मंडी है, पूरे साहब मतलब गोरखपुर के तो लोग आते ही हैं, जितने मतलब सेमी होलसेलर्स हैं, मतलब रिटेलर्स हैं आसपास के जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जो है देहरिया हो गया, इधर बस्ती हो गया, आजमगढ़ हो गया, नौगढ़ हो गया, सिद्धार्थ नगर वहीं नौगढ़, और ये तंकुही हो गया, नौतनवा सुनौली मतलब महाराजगंज हो गया, आसपास के मेडिकल से जो 10-15 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ तक कि जो स्टेट है, जैसे कि इधर मतलब बिहार की सीमाएं हैं लगी हुई, मतलब वो सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है, यहाँ से भी कहाँ का आते हैं आने को। तो मेरा नाम अमित है। को माल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिया जाता है। ये घेरा बनाया गया है ताकि 3 मीटर की दूरी पे लोग खड़े होकर के उसका पालन करें, लेकिन यहाँ पे पालन इस तरह से नहीं होगा। किसी भी मंडी या सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि हर मोड़ पे कम से कम 3 या 4 घंटे जब तक मंडी खुलता है वहाँ पे एक एक पुलिस की तैनाती कर दी जाए, तब जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सारे के सारे जितने भी कस्टमर सब भाग दौड़ में लगे रहते हैं, 3-4 घंटे का जो भी खुला रहता है कितना ध्यान देंगे अपनी, जब तक सामान नहीं भरेंगे तो कैसे बेचेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कम से कम हर मोड़ पे एक एक पुलिसों की तैनाती कर दी जाए ताकि उसका अच्छे से पालन हो सके। यहाँ पे आपकी किस चीज़ की दुकान? थोक की दुकान? जी थोक की दुकान है। कहाँ कहाँ से लोग माल लेते हैं? यहाँ से मेरा पास कई जगह से लोग आते हैं कि यहाँ से जो है चौरी चौरा से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं। राजकुमार आल्हा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल महानगर गोरखपुर। यहाँ के जितने भी दुकानदार भाई हमारे हैं उनको हम लोगों ने पहले नोटिस ही जारी कर दिया है कि आप लोग अपने दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और गोला बनाइए और दूर दूर रखे व्यापारी को दीजिए माल, जिससे कि कोई संक्रमित ना होने पाए, और इसका पालन हम लोग कर रहे हैं। ग्राहक बाहर से माल लेने जाए उनको क्या सावधानियाँ बरती जा रही है, कैसे उनको माल दिया जा रहा है? अब ग्राहक जो आ रहे हैं बाहर से उनको भी हम लोग वन बाई वन एक एक करके माल दिया जा रहा है कि आप लोग भैया 2 फीट 1 मीटर की दूरी बना के रखिए,
और एकदम सड़ सड़ के माल मत लीजिए, उनको भी एक 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 करके बुला के हम लोग माल दे रहे हैं उनको। हमारा नाम शहनवाज आलम लारी। देखिए भाई, इस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। इसका यही इलाज है कि डिस्टेंस बना के रखें, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं दुकानदार होकर व्यापारियों से कि आप डिस्टेंस बना के रहें। अपने दुकान के बारे में उन्होंने गोला बनाया हुआ है, तीन ग्राहक को तीन हिस्से में बांट के दूरी बना के हम लोग खड़ा करते हैं। अगर अगर हम लोग ढील दे दें, छूट दे दें, तो ग्राहक इस तरह से जुटेंगे कि डिस्टेंस और लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करते हैं और दुकानदार को भी समझाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों को भी समझाते हैं, और ग्राहक इस बात पे अमल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी दुकानों में भीड़ नहीं है इस वक्त। पूर्वांचल की तहागुन सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग माल खरीदने के लिए आते हैं? अब पूर्वांचल यहाँ पे तो आसपास के लोग आते ही हैं, उसके अलावा बिहार तक के व्यापारी आते हैं, पूर्वांचल के दूर दूर के आते हैं, नेपाल तक के व्यापारी आते हैं। पूर्वांचल का बहुत बड़ा मार्केट है साहेबगंज। गोपाल जायसवाल, अपने दुकान के आगे जो है सफ़ेद रंग से पेंट से गोला बना दिए हैं, और उसी गोले में खड़ा करके हम लोग माल देते हैं, ग्राहक को भी बोलते हैं। हम लोगों ने पोस्टर भी लगा रखा है कि सामाजिक दूरी जो है बनाए रख के, क्योंकि यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, सामाजिक दूरी ही कोरोना में सबसे बड़ी सुरक्षा है। और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं, आपको देखने आप अदर दुकानों पे जाएंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा कि हमारी किराना कमेटी से जो है पोस्टर चिपका हुआ है कि आप दूरी बना के ही काम करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सबकी सुरक्षा पे ध्यान दें। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग माल लेने आते हैं? अभी तो इतना जो है पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन गोरखपुर जिले के ही ग्राहक आ रहे हैं, और ज़्यादा दूरी का ग्राहक नहीं है, सब सीमाएं सील है, सिर्फ गोरखपुर जिले से ही गाड़ियां आ रही हैं।